और रॉकी अगर हमारे साथ जुड़े हुए भुवनेश्वर से, तो रॉकी जी अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास माइंट्री है, एलएनटी सर्विसेज है और डीमार्ट है। माइंट्री की वैल्यू 4,400, एलएनटी सर्विस के 5,050 और डीमार्ट के 450 रुपये। क्या करूं? डीमार्ट 450 में? यस सर। तो अब उसमें क्यों पूछने का, वो तो कितना 10 गुना होगा कम से कम। नहीं, 4,400 रुपये, सॉरी 4,400 ना, वही मैंने कहा 450 में लिया तो फिर क्यों। चलिए फटाफट ले लेते हैं। गावी सर, गाबा सर, क्विकली, माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट, तीनों में बताइए क्या करेंगे। पर माइंडट्री में बेसिकली अभी तो सब कुछ बिक रहा है, लेकिन आज का जो मूव है मुझे ठीक नजर आता है। 3,600 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर अप्रूव मिलता है तो 4,200 तक जा सकता है। इनकी कॉस्ट क्या है मुझे ध्यान नहीं, उसके बाद 4,500 भी पॉसिबल है, लेकिन 4,500 में बहुत बहुत रेसिस्टेंस है। फिर डीमार्ट की बात कर लेते हैं, इन्होंने लिया है 4,400 में, अपडेट करा है 4,000 के आसपास। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 6,000 भी देखा, अब 4,000 देखा तो 50% लगता है डाउन है, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म